जय जगदम्बा। आज एक आपको कहानी सुनाते हैं कि एक सेठ होता है और उसने मरने से पहले अपना एक वसीयत लिख दिया और उसके बाद उसका डेथ हो गया। डेथ होने के बाद जब उसका वसीयत खोला गया उनके बेटों द्वारा, एक बेटा था उसके, एक बेटी थी और एक नौकर रहता था उसके पास जो उसकी सेवा करता था। तो जब उसका वसीयत खोला गया उसको, तो उसमें लिखा था कि भाई मेरी संपत्ति का आधा हिस्सा मेरे बेटे को दे देने का, उसका चौथा हिस्सा है वो मेरी बेटी को दे देने का, और जो पांचवा हिस्सा है वो मेरा जो नौकर है जिसने मेरी सेवा की उसको दे देने का। तो अभी उसकी संपत्ति में देखा गया तो उसके पास सिर्फ 19 ऊँट निकले और कुछ उसके पास नहीं था। तो 19 ऊँटों का बंटवारा आधा कैसे करें, तो सब लोग सोच में पड़ गए। तो वहाँ पर सब इकट्ठे हो रखे थे कि और गाँव इकट्ठा हो रखा था किस तरह से इसका बंटवारा, 19 ऊँट तो काट नहीं सकते किस तरह से करें। तब तक वहाँ से कोई एक सज्जन जा रहा था तो उसने देखा कि इस तरह से ये हो रहा है। तो वो वहाँ पे आए और बोला भाई क्या प्रॉब्लम है। बोला इस तरह से हमारा पिताजी का वसीयत है उसका बंटवारा कर नहीं पा रहे। तो उन्होंने लिखा आधा बेटे को देने का, 19 ऊँट में से आधा कैसे करें। तो बोला कोई चिंता मत करो, तुम लोग तुम्हारा बंटवारा कर दूँगा। बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, उसने हमेशा ज़िंदगी में चौधराटी की थी तो कि मैं एक ऊँट मेरा रख लूँ। तो टोटल 20 हो गए। तुम तुम्हारा बंटवारा कर लो, मेरी कोई समझदार था उसने अंदर ही अंदर कैलकुलेशन कर लिया था। 20 होते आधे ऊँट अपने बेटे के नाम हो गए तो 10 ऊँट उसको मिल गए। बचा पाँचवा हिस्सा, 4 ऊँट हुए, 4 ऊँट उसके नौकर को दे दिए। जो चौथा हिस्सा बच्चा 5 ऊँट का वो उसकी बेटी को दे दिए। तो इस तरह से 10, 5 और 4, 9, 19 ऊँट बट गए। और बोला कि बचा एक ऊँट वो मेरा वापस कर दो। तो इस तरह से उसने बुद्धिमानी से वो पूरा जो भी झगड़ा लगा हुआ था उसको समझा दिया। सोचो सेठ ने कितनी बुद्धिमानी लगाई होगी उस बंटवारे को लिखने के टाइम पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।